सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर नागपुर के सहायक धर्मदाय आयुक्त के कार्यालय में सामाजिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई 8 सितंबर को धर्मदाय आयुक्त नागपुर के पास होगी। प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं पूर्व पार्षद जनार्दन मुन ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। यदि 8 सितंबर को यह संस्था रजिस्टर्ड होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से धर्मदाय आयुक्त के कार्यालय में रजिस्टर्ड होने वाली यह देश की पहली संस्था होगी। गए 4-5 साल से हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था जो 1925 से क्रियान्वित है और आज भी चल रही है, इसके बारे में हमने जानना चाहा कि भारत को संविधान लागू होने के बाद हर कोई कार्य पारदर्शक संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, कानूनन चलना चाहिए, तो क्या इस संस्था का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इस बारे में हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को निवेदन दिया था कि आरएसएस इस संस्था को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है क्या। सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, इनको जो Z+ सुरक्षा दी जाती है, क्या ये उचित है क्या। संघ बिल्डिंग जो MD देवरस के नाम से है, वहाँ भी CISF सुरक्षा दी है, जिस पर जनता का करोड़ों रुपये खर्चा होता है। इस बारे में हमने निवेदन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय ने वही निवेदन नागपुर के चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में भेजा और चैरिटी कमिश्नर ऑफिस ने, जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने हमें एक लिखित सूचना दी, पत्र दिया, जिसमें लिखा है कि RSS नामक कोई भी संस्था हमारे कार्यालय में नोंदनीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। वास्तव में यह अहवाल उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना था, लेकिन उन्होंने हमें ही सूचित कराकर हमारा निवेदन नस्तीबद्ध कर दिया। इसके बारे में हम मुख्यमंत्री जी को हमने एक निवेदन दिया है, तकरार दिया है कि इस जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने दिशा भूल करने का हमको जवाब दिया है, वो कार्रवाई तो चलते रहेगी,